विष्णु प्रभाकर गांव वाले रिपोर्टर का आप सबको नमस्कार है। जनपद देवरिया से बड़ी खबर आ रही है, एक बार फिर से बता दें आप सबको, देवरिया जिले के रुद्रपुर तहसील के गांव फतेहपुर में जमीनी विवाद दो गुटों में ऐसा हुआ कि छह लोगों की दर्दनाक हत्या हो गई। उसके बाद वो खबर देश और दुनिया में एक बड़ी खबर बन के उभरा। उसी मामले में न्यायालय द्वारा एक बड़ा अपडेट आ गया है। आप सबको बताते चले कि तहसीलदार कोर्ट में प्रेमचंद यादव के खिलाफ शिकायत की थी। मृतक प्रेमचंद के पक्ष के लोगों ने ग्राम सभा की सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा किया है, जिसमें खाली कराने के लिए रुद्रपुर तहसील में वाद दाखिल किया गया था। तहसील न्यायालय ने मृतक प्रेमचंद के मकान को सरकारी जमीन में बना होना बताते हुए सरकारी जमीन से कब्जा हटाने का निर्देश दिया था। इसके विरोध में मृतक प्रेमचंद यादव के परिवार के लोगों ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में वाद दाखिल किया था। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस मामले में जिलाधिकारी न्यायालय में जाने का निर्देश दिया था। इस मामले में डीएम देवरिया ने रुद्रपुर तहसील न्यायालय को फैसले को बरकरार रखा है। रुद्रपुर तहसील न्यायालय ने मृतक प्रेमचंद यादव द्वारा सरकारी जमीन पर जो अवैध कब्जा किया था उसको खाली कराने का निर्देश दिया है। यानी अब यह कह सकते हैं कि प्रेमचंद यादव के मकान पे बुलडोजर चलना तय है, बुलडोजर की प्रक्रिया तय है। इस पूरे मामले पे मीडिया से बातचीत करते हुए प्रशासनिक अधिकारी के तौर पे क्या कहना है आप भी सुनिए। बताइए, आज फतेहपुर देकार में जो मकान था प्रेमचंद यादव, उस पर डिसीजन आया है, फैसला आया है कोर्ट का, डीएम क्या है पूरा मामला? यहाँ अपील चल रही थी, अपील निरस्त हो गई है उन लोगों की। क्या मामला था पूरा? प्रकरण ये था कि सरकारी भूमि पर अवैध कब्जा था, जिसका बाद तहसीलदार रुद्रपुर के यहाँ चला, जिसमें राजस्व संहिता की धारा 67 के अंतर्गत वाद चला और उसमें जो है बेदखली का आदेश हुआ कि उस पर सरकारी भूमि से अवैध कब्जा हटाए। उसके बाद वे लोग यहाँ आए अपील में। अपील में आने के पहले ही वो चले गए हाईकोर्ट। हाईकोर्ट ने उसमें डायरेक्शन देते हुए भेज दिया कि आप जाएं और अपीलीय न्यायालय में वाद दाखिल करें। यहाँ आने के बाद अपील दाखिल किए हैं और उसमें डायरेक्शन था माननीय उच्च न्यायालय का कि आप 3 माह के अंदर इसका डिस्पोजल करें, तो उसमें आदेश आया है 30/12/23 में। उसमें आदेश आ गया कि उनकी अपील निरस्त होने योग्य है, इनका उससे रिलेटेड कहीं भी किसी भी प्रकार की भूमि नहीं है, उसके चारों तरफ सरकारी संपत्ति है जिस पर इनका अवैध कब्जा था, उसको खाली करें। कितने दिन का समय मिला है कब्जा हटाने के लिए? अब अपील निरस्त हो गई है, तो आदेश देखने के बाद पता चलेगा। अभी मतलब उन्हें समय मिलेगा अभी कब्जा हटाने का? अभी ये आदेश हो गया यहाँ, अब देखते हैं अगला अपडेट क्या होगा। लेकिन इस पूरे मामले पे आप क्या सोचते हैं कमेंट करके जरूर बताइए। विष्णु प्रभाकर गांव वाले रिपोर्टर का आप सबको नमस्कार।